Hello everyone, my name is Ranjit. Today I brought topic of follow-up questions to be discussed here. Follow-up questions are related to the topic, related to the cue card, that is, describe an activity you do to keep fit. Now, let's discuss first follow-up question related to this topic that examiner can ask you, that is, what do old people in your country do to keep fit? In order to stay in the pink of health, it means in order to stay fit and strong. In order to stay in the pink of health, it means in good health. Achhi sehat, okay? Hale and hearty, aise bhi aap bol sakte ho. Fit and strong, okay? Stay as fit as a fiddle, aise bhi aap bol sakte ho. In the pink of health, it means in good health, okay? Healthy. हेल्दी रहने के लिए इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी और इन द पिंक ऑफ हेल्थ एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्ड पीपल इन माई कंट्री मेरी कंट्री में परफॉर्म वेरियस एक्सरसाइजेज वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं सच एज साइकिलिंग वॉकिंग जॉगिंग मेडिटेशन एंड योगा अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा दे एब्सटेन या फिर दे रिफ्रेन एब्सटेन इट मीन्स के कीप away from okay दूर रहते हैं किससे from young foods से consume करने से दूर रहते हैं okay consume balanced diet वो consume करते हैं balanced diet consume करते हैं और have a sound sleep और sound sleep वो deep sleep लेते हैं okay सोते हैं deeply it means के deep sleep लेते हैं वो अच्छी नींद सोते हैं now next question is Do you think young people should play dangerous sports? Undeniably, participating in extreme sports keeps young folks active. Undeniably, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये participate करते हैं young folks जो participate करते हैं extreme sports में dangerous sports में जो होती हैं okay तो ये उन्हें रखता है active रखता है overcome their fears वो अपने fears को overcome कर लेते हैं and push their limits. फियर्स को ओवरकम करके वो आगे बढ़ते हैं ओके okay? कुछ बढ़िया करते हैं लाइफ में आगे बढ़ते हैं पुश देयर लिमिट्स बट ओनली दोज शुड टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स हु नो दी स्पोर्ट्स इनसाइड आउट एंड हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट अंडर एनी इंस्ट्रक्टर बट उन्हीं को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए इस स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं इनसाइड आउट इट मीन्स के उन्हें एक एक चीज़ के बारे में पता है ओके okay? तो वो बहुत वेरी वेल उन्हें पता है जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में एंड हैव प्रैक्टिस्ड और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है ओके okay? इस जो इन स्पोर्ट्स की अंडर एनी इंस्ट्रक्टर और किसी इंस्ट्रक्टर गाइड के अंडर अधीन रहकर द रीज़न इज़ दैट रीज़न ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है संभावना है ऑफ गेटिंग इंजर्ड होने की इट मीन्स के जख्मी होने की कुछ भी हो सकता है और लूजिंग लाइफ समटाइम्स लाइफ को गवा बैठने की ओके पॉसिबिलिटी होती है समटाइम्स कभी कभी ना थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स आर पॉपुलर इन इंडिया क्रिकेट हॉकी वॉलीबॉल फुटबॉल बैडमिंटन टेनिस कबड्डी बॉक्सिंग हैव गेन्ड ह्यूज पॉपुलैरिटी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स अमंग मासेस इन माई कंट्री जो ये यहाँ पे जो मैंने मेंशन की है ये वाली जो स्पोर्ट्स हैं हैव गेन्ड ह्यूज पॉपुलैरिटी गेन की है इन स्पोर्ट्स ने ह्यूज पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है ओके वो गेन की है प्राप्त की है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ फ्यू ईयर्स में ओके अमंग मासेस अमंग लोगों में ओके मासेस इट मीन्स पीपल लोगों में इन माई कंट्री मेरी कंट्री में पीपल लव टू वॉच एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स लोगों को अच्छा लगता है दे लाइक ओके टू वॉच करना और पार्टिसिपेट करना इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना और देखना उन्हें अच्छा लगता है विच आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम जो अलग अलग प्लेसेस में मेरी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस में जो हेल्ड किए जाते हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओके एट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग प्लेसेस पे फ्रॉम टाइम टू टाइम ओके फ्रॉम टाइम टू टाइम What else people can do to keep fit besides sports? Apart from indulging in sports to stay as fit as a fiddle, people should cut down on junk foods. Always give preference to home-cooked food or homemade food. Apart from indulging sports में indulge होने के अलावा it means के शामिल होने के अलावा interested होने के अलावा sports में interested होने के अलावा indulge होने के अलावा to stay as fit as a fiddle it means to stay fit and healthy
टू स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग, टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, पीपल शुड कट डाउन, उन्हें जो अपनी जंक फूड्स की मात्रा उन्हें कम क्वांटिटी उन्हें कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ओके, कट डाउन ऑन जंक फूड्स, ऑलवेज गिव प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस देना चाहिए टू होम कुकड फूड, जो होम मेड फूड्स हैं उन्हें प्रेफरेंस देनी चाहिए, एडिशनली इसके अलावा दे शुड इनकॉर्पोरेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सैलड्स इन टू देयर रेगुलर डाइट, और इसके अलावा उन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इट मीन्स के शामिल करना चाहिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी हमें जितना पानी पीना चाहिए एक दिन में उतना इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एंड सैलड्स, सैलड्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन टू देयर रेगुलर डाइट, अपनी जो रेगुलर डाइट है उसमें. लास्ट बट नॉट लीस्ट पीपल कैन डिवेलप द हैबिट ऑफ, इसके अलावा पीपल लोग डिवेल्प कर सकते हैं हैबिट, अपने आप में एक हैबिट डिवेल्प कर सकते हैं ऑफ हैविंग अ वॉक, वॉक करने की, डूइंग मेडिटेशन, मेडिटेशन करने की, और योगा, योगा करने की रेगुलरली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन पेरेंट्स डू टू मेक देयर चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर द फिजिकल और यू कैन से होलिस्टिकल डिवेलपमेंट और मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. तो जो स्पोर्ट्स होती हैं वो एसेंशियल हैं बच्चों की मेंटल वेलबींग के लिए और होलिस्टिकल जो संपूर्ण विकास होता है, ओके, ओवरऑल डिवेलपमेंट होती है उसके लिए, बच्चों की ओवरऑल डिवेलपमेंट के लिए, होलिस्टिकल डिवेलपमेंट के लिए और मेंटल वेलबींग के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही एसेंशियल हैं, ओके, जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, हाईली बेनिफिशियल ऐसे भी आप बोल सकते हो. पेरेंट्स कैन इंकल्केट द हैबिट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स इन किड्स बाय इनरोलिंग देम इन स्पोर्ट्स अकेडमी. पेरेंट्स जो हैं वो इंकल्केट कर सकते, इंकल्केट करना, सिखाना, भरना, टीच करना, ओके, तो इंकल्केट कर सकते इस हैबिट को अपने बच्चों में इन किड्स बाय इनरोलिंग देम, उनकी एडमिशन दिलवाकर, उन्हें एडमिट करके कहाँ पे, इन स्पोर्ट्स अकेडमी में उनकी एडमिशन दिलवाकर, ओके, तो वो ऐसी जो हैबिट है उनमें इंकल्केट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं ऐसी हैबिट, डेवलप उनमें कर सकते हैं, इंकल्केट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, टीच कर सकते हैं. ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा पेरेंट्स कैन अकंपनी देयर चिल्ड्रन, इसके अलावा वो अपने बच्चों को कंपनी दे सकते हैं, इट मीन्स के उनका साथ दे सकते हैं. दे शुड परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ विद दैम, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए उनके साथ, अपने बच्चों के साथ. दस चिल्ड्रन विल गेट इनकरेज्ड टू डू, ऐसा करके जो बच्चे होंगे वो मोटिवेटेड होंगे, ओके, इनकरेज होंगे ऐसा करने के लिए, डेफिनेटली वो ऐसा करेंगे. ऑल्सो इसके अलावा गार्डियंस कैन मेक देयर ऑफ स्प्रिंग्स अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स. इसके अलावा जो गार्डियंस इट मीन्स के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अवेयर करवा सकते हैं, कैन मेक देयर चिल्ड्रन या फिर किड्स, ओके, या फिर ऑफ स्प्रिंग्स अवेयर करवा सकते हैं उनको ऑफ द बेनिफिट्स, इसके जो प्लेइंग स्पोर्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं उनसे अवेयर करवा सकते हैं, विच विल हेल्प देम बिकम स्पोर्ट्स लवर्स, जो उनके बच्चों की हेल्प करेगा बिकम बनने में, स्पोर्ट्स लवर्स बनने में. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.